हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में, जिसमें मेरे द्वारा जीके की जंग अमित सर के संग जो बैच जो कोर्स है पिछले 18 अप्रैल से चल रहा है, प्रॉपर तरीके से फ्री वीडियो फ्री क्लासेस आप सभी को मिल रही होंगी, ठीक है। और विद क्वेश्चन के साथ आपकी सारी क्लासेस में करवाता चल रहा हूँ। और सैटरडे संडे प्रैक्टिस सेट बिल्कुल निपुण तरीके से, जो बिल्कुल संभावित है आने वाले पेपरों के अंतर्गत देखने को मिलेंगे 101%। तो आज हम आपके हिस्ट्री के नाथिसवाद हिटलर जो थर्ड चैप्टर है 9th क्लास का, उसका पार्ट टू करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पार्ट वन में हम वाइमर गणराज्य कर चुके हैं, जो कि जर्मनी के अंदर है। वार्षे संधि, राजनीतिक रेडिकल वाद, आर्थिक संगठन और हिटलर का उदय हो चुका था। आज हम करेंगे नातुश्यो को नजरिया विद क्वेश्चन के साथ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिटलर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, ठीक है। आशा करता हूँ सारी चीजें आपको कल की समझ में आई होंगी। तो सीधा चलते हैं हम अपने, हाँ, नातिश्यो का नजरिया क्या है, नातिश्य क्या है, ये चीज हम जानेंगे आज इस चैप्टर में, ठीक है। एक मिनट रुके, हाँ, इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। तो नातिश्यो का नजरिया मतलब नातिश्य क्या है, इस चीज को जानिए। नातिश विचारधारा के अनुसार मनुष्य एक समान नहीं होते हैं, बल्कि उनमें नस्लों के आधार पर ऊंच नीच की भेद होता है, भेदभाव होता है। नातिश्यों को लगता था कि नॉर्डिक जर्मन आर्य इस अवस्था में सबसे शिखर पर थे, ठीक है, जो कि हिटलर का भी कहना यही था। यहूदी सबसे निचले मैदान पर और बाकी नस्लों का स्थान इन दोनों के बीच में कहीं था, ठीक है। ये नस्लों के बारे में बताई जा रही है। आपने मतलब आपने पढ़ी होगी बायोलॉजी के अंदर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात, लेसन में डार्विन, डार्विन और सस्पेंसर के नाम सुना होगा, ठीक है। इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ा भी होगा। डार्विन ने जीवों के विकास को समझाने के लिए प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत दिया था और सस्पेंसर ने उत्तर जीविता का सिद्धांत दिया था। बिल्कुल सही कह रहे हो, गलत है। इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार प्राकृतिक किसी भी जीव के सबसे अच्छे गुणों को चुनाव करती है जो अगली पीढ़ी को मिलती है, और जो जीव सबसे अधिक फिट होता है वही जीव बदलती परिस्थितियों में जीवित बच पाता है। हिटलर ने इन सिद्धांतों की व्याख्या अपनी जरूरत के हिसाब से की, लेकिन हिटलर शायद यह भूल गया था कि डार्विन या सस्पेंसर ने कभी भी मानव हस्तक्षेप की बात नहीं की थी, जो कि वो समझता था कि मानव पर भी लागू करें। हिटलर को लगता था कि जो नस्लें समाज में रहने के लिए फिट नहीं होती उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं था। देख लो हिटलर कैसे हो। उसे यह भी लगता था कि उसे सबसे शुद्ध नस्ल होने के कारण केवल नॉर्डिक जर्मन आर्य को जीने का अधिकार था। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबरस्ट्रॉम, जीवन परिधि की अवधारणा से प्रेरित था। इसके अनुसार वह नॉर्डिक जर्मन आर्य की नस्ल को बढ़ाने के लिए नए इलाकों पर कब्जा करना चाहता था और वहां पर बसाना चाहता था। अब नस्लवादी सरकार की स्थापना कैसे हुई? नातिश्यों ने शुद्ध नस्ल के जर्मन समुदाय को बढ़ाने के लिए तेजी से काम शुरू करने कर दिया, और इसके लिए अपने विस्तृत जर्मन साम्राज्य में उन्होंने उन लोगों को खत्म करना शुरू किया जिन्होंने वे अवांछित माने थे, ठीक है। वे मानते थे कि शुद्ध या स्वस्थ नॉर्डिक आर्य इकलौती नस्ल थी जिसमें सारी खूबियां भरी हुई थी, ठीक है। कई अवांछित लोगों को यूथेनेशिया कार्यक्रम के तहत मार दिया गया। इसमें इनमें मानसिक शारीरिक रूप से विकलांग शामिल थे, बताओ उनको भी मार देगा, बताओ इतनी ये कोई बढ़िया बढ़िया नस्ल के लोग जो विकलांग है ना छोड़ रहे। यहूदियों, रूसी और पोलिश मूल के लोगों पर बर्बरता की गई। जब जर्मनी ने पोलैंड के और रूसी के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया तो वहां नागरिक को गुलाम की तरह काम पर लगा दिया गया, और उनमें से अधिकतर लोग अधिक परिश्रम और भुखमरी के कारण मर गए, ठीक है। लाइन में लग रहे लोग हैं, पुलिस के पहरे में ऑफिसर भेजे जा रहे हैं, जिप्सी है एक, ठीक है, उसमें भेज जा रहे हैं। 1943-1944 की बात है, मतलब कि सेकंड वार थी, वर्ल्ड वार थी उस समय की। यहूदियों की स्थिति क्या थी उस समय? ईसाइयों में यहूदियों के खिलाफ घृणा की एक पुरानी परंपरा थी। यहूदियों के यीशु के हथियार और सूदखोर के रूप में देखा जाता था। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन के स्वामित्व का अधिकार नहीं था, बताओ इन्हें जमीन भी नहीं दी जाए कि नहीं, यहूदी न उनके लिए व्यापार और सूद पर पैसे लगाने की आजीविका का साधन था। यहूदियों को अक्सर उनकी जमीनों में खदेड़ दिया जाता था और उन पर जुल्म किए जाते थे। नातिश्य चाहते थे कि यहूदियों का समूल नाश कर दिया जाए, बिल्कुल उनका वंश खत्म कर दिया जाए। 1933-38 के दौरान आतंक के तरह तरह के हथकंडे अपनाकर यहूदियों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, और 1939-45 के दौरान उन्हें कुछ खास इलाकों घेटो या धड़वा में जमा करना और फिर बाद में गैस चैम्बर में मार देने का लक्ष्य रखा गया, बताओ यहूदियों पर अत्याचार हो रहे। नस्ली कल्पनाओं
जो आज के समय में यहूदीलिज्म, जो आपने सुना होगा इसराइल के अंतर्गत जो यहूदी समुदाय रह रहा है, आज के समय में सबसे स्ट्रॉन्ग, हर चीज में पावर रखता है वो अंदर, अपने अंदर, ठीक है, कौन? इसराइल देश। पढ़ना है इसके बारे में। पोलैंड पर कब्जा करने के बाद जर्मनी ने उसका विभाजन कर दिया और उत्तर पश्चिम के अधिकतर लागों को जर्मनी में शामिल कर दिया, और पोलिश लोगों को अपने मकान संपत्ति छोड़कर भागना पड़ा। अब उन मकानों में स्थित जर्मनी के इलाकों से जर्मन मूल के लोग बसाया जाना था, ठीक है। पोलिश लोगों के दूसरे हिस्सों में भेज दिया गया, जिसे जनरल गवर्नमेंट नाम दिया गया, और पोलैंड के बुद्धिजीवियों को मार दिया गया ताकि पोलिश लोगों की बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बनाया जा सके, ठीक है। ये क्या है, यहूदियों के गैस चैम्बर तक ले जाने वाले, इसमें पहुंचाते थे भर 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 के, ठीक है। यहूदी ने जनरल गवर्नमेंट के इलाके में कुछ विशाल घेटो और गैस चैम्बर थे, यानी यही वह स्थान था जहां बड़ी संख्या में यहूदियों का नरसंहार हुआ रहा था, ठीक है। युवाओं की स्थिति क्या थी, हिटलर का मानना था कि बचपन में ही नाथसी विचारधारा के बारे में पढ़ाने से एक शक्तिशाली नाथसी समाज बनाया जा सकता है, इसलिए सबसे पहले हर स्कूल को साफ और पवित्र किया गया। जो शिक्षक यहूदी थे या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय लगते थे उन्हें हटा दिया गया, और अवांछित बच्चों, यहूदी शारीरिक रूप से विकलांग और जिप्सी के को स्कूल से हटा दिया गया। 1940 में उन सबको गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया गया। बताओ, इतना बड़ा अत्याचार था, ठीक है। ये सभी चीजें आप देख रहे होंगे, ये इन पीडीएफ में बताऊंगा, तो थोड़ा सा टॉपिक से अलग हट जाएंगे और थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे, ठीक है। स्कूल के टेक्स्ट बुक के नए तरीके में लिखा गया कि ताकि अच्छे जर्मन बच्चों को एक नई विचारधारा का पाठ पढ़ाया जा सके। सिलेबस में नस्ली विज्ञान को शामिल किया गया ताकि नतस्य और नस्ली विचारधारा को सही साबित किया जा सके। बताओ, ठीक है। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार आज्ञाकारी बने, यहूदियों से घृणा करें, हिटलर की पूजा करें। बच्चों के दिमागी रूप से मजबूत बनाने के लिए बॉक्सिंग को बढ़ावा दिया गया। जर्मन के युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद को का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी पार्टी के युवक संगठनों को दे दी गई, और 10 वर्ष के लड़कों को यंग फोक दाखिल कर दिया जाता था, और 14 वर्ष के आयु हर लड़के को नाथसी युवक संगठन हिटलर यूथ का सदस्य बना दिया जाता था। उसके बाद एक लंबे और कठिन प्रशिक्षण के बाद उन्हें लेबर सर्विस रखा दिया जाता था। ऐसा अक्सर 18 वर्ष की आयु में होता था। उसके बाद उन्हें सेना में भर्ती किया जाता था और फिर किसी नाथसी संगठन में। बताओ, मातृत्व की नाथसी सोच, लड़कों को आक्रामक मर्दाना और शेर दिल बनाने की शिक्षा दी जाती थी। लड़कियों को बताया जाता था कि उन्हें अच्छी माता बनना और शुद्ध खून वाले आर्य बच्चे पैदा करने हैं। अपनी नस्ल की शुद्धता बरकरार रखने के उद्देश्य से लड़कियों को अवांछित लोगों से दूर रखने के लिए कहा जाता था, ठीक है। यदि कोई औरत किसी अवांछित बच्चे को जन्म देती थी तो उसे इसकी सजा मिलती थी। जो औरत नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देती उसे पुरस्कृत कर दिया जाता था। उन्हें अस्पताल में विशेष सुविधा मिलती, उन्हें दुकान, सिनेमाघर और रेलवे में छूट भी दी जाती। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने उद्देश्य से तमगे भी दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा होने पर कांसे का तमगा, 6 बच्चे पैदा चांदी का, और 8 या अधिक बच्चे पैदा करने के सोने का तमगा मिलता था। बताओ, जब कोई आर्य महिला बताए हुए रास्ते में भटक जाती थी तो उसका सार्वजनिक तिरस्कार होता और कड़ी सजा मिलती थी उसको। ये रूल थे इनके नाट्य वालों के। प्रचार की कला, नाथिस्य शासन ने भाषा और मीडिया का प्रभावशाली इस्तेमाल किया था। उन्होंने हत्या या नरसंहार के लिए दस्तावेज को अन्य शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो भारमत, जिसे विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, चयन, संक्रामक शक्ति आदि, नाथिस्य विचारधाराओं को फैलाने के लिए फोटो, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, नारों आदि का इस्तेमाल किया, और नाथिस्य विचारधारा के विरोध करने वाले अलग अलग दुष्प्रभाव जरिए बुरा दिखाया जाता था उस समय, ठीक है, हर चीज के अंतर्गत, ठीक। अब कोई लोग दुनिया के नाते से ऐनक से देखने लगे थे। यहूदियों के खिलाफ लोगों में जबरदस्त घृणा बढ़ चुकी थी। लोगों को यकीन होने लगा था कि नातिशी उनके लिए खुशहाली और संपन्नता लाकर ही दम लेंगे, ठीक है। यहूदियों पर हमला करता एक देख लेना आप, ठीक है। लेकिन कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया और पुलिस की प्रवरता और मौत का खतरा भी उठा। लेकिन जर्मनी की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मूक दर्शक बन रहा, और वे इतने डरे हुए थे कि विरोध के स्वर नहीं उठा पाते थे। महाध्वंस क्या, होलीकॉस्ट क्या है कि नाथिसी सत्ता के आखिरी वर्षों में जाकर जर्मनी में नाथिसियों के अत्याचार की थोड़ी बहुत खबरें बाहर पहुंचने लगी। लेकिन यहूदी समाप्त होने के बाद ही दुनिया के यहूदियों तथा अन्य लोगों पर होने वाला भयावह के असली तस्वीरें का पता चला, और कई यहूदियों ने डायरी या नोटबुक में अपने अनुभव लिखकर सुरक्षित जगहों पर छुपा दिया था। उन्हें शायद भरोसा था कि उनके मरने के बाद कभी न कभी दुनिया की असलियत मालूम होगी, जैसे कि जम्मू कश्मीर में पंडितों के साथ हुआ पीड़ित बेचारे। जब नाथसी नेतृत्व को लगने लगा कि वे युद्ध हारने वाले हैं,
तो अपने कार्यकर्ताओं को पेट्रोल बंटवा दिया ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके। बताओ नेक्स्ट है, क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे अब। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आज की क्लास का सेकंड पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभी तक की क्लास समाप्त हो चुकी है, आपका पार्ट टू भी समाप्त हो चुका है। 9 नवंबर 1918 ईस्वी में पहले जर्मनी सम्राट कौन थे? फ्रेडरिक एबर्ट था, ठीक है, ना कि ये तीनों, ठीक है। जर्मनी के वाइमर गणतंत्र प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एबर्ट थे या श्री मेडन थे, गुस्तवा स्ट्रोमे, हिटलर, ये सभी नहीं थे, तो एबर्ट इज द राइट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा मित्र राष्ट्र थे? अब मैंने मित्रों के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से बताया था, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रूस, या इनमें से कोई नहीं, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाता, और सभी गलत हो जाते हैं। जर्मनी और ऑस्ट्रिया थे और रूस, इंग्लैंड, फ्रांस एक तरफ थे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के जिस युद्ध किस युद्ध प्रदेश पर अधिकार कर लिया था? वह था राइनलैंड, और सभी गलत हो जाते हैं, ठीक है। वाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना कब हुई? फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, वर्षे की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण, संसदीय प्रणाली लागू करने के कारण, प्रजातांत्रिक संविधान लागू कारण, तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है। वर्षे संधि जो होती है, मैंने पढ़ाया था पिछले पार्ट वन में, उसको देखो आप। प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी पर कितना हर्जाना डाला गया? 6 अरब, ठीक है, और सभी गलत होते हैं। 6 अरब डॉलर पर हर्जाना डाला गया, जिसको कर्ज तले दबा दिया था जर्मनी को। संसार का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वाला स्ट्रीट एक्सचेंज स्थित है अमेरिका में, ठीक है। 1929 के आर्थिक महामंदी के समय जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या कितनी जा चुकी थी? 6 लाख 60 लाख, 6 करोड़ 60 करोड़, तो 60 लाख पहुंच चुकी थी। वाइमर संविधान की त्रुटि थी, वह स्थायी शासन में बाधक थी, वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व थी, ठीक है, ये सिंपल है। 10th क्वेश्चन, हिटलर ने सबसे पहले सत्ता हथियाने की योजना कब बनाई जिसमें स्वयं असफल रहा? 1919 में, 1920 में, या 1923 में, या 1930 में, तो ये सभी गलत हो जाते हैं। सी इज द राइट आंसर, 1923 में। जर्मनी में नाथिसवाद एक जनव्यापी आंदोलन कब बना? प्रथम महायुद्ध के दौरान, महामंदी के दौरान, या महामंडप के दौरान, तो इसका प्रथम विश्वयुद्ध इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कौन सा, जिसमें है जर्मन संसद। जर्मन संसद क्या कहलाती? जर्मन की जो संसद थी वो क्या कहलाती, उसका नाम क्या था? राइक, ट्यूमा, गार्स्टोप, या रिस्टॉक, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। हिटलर द्वारा लिखित पुस्तक हुए जिसमें लिखते हुए जिसमें नातेशवाद के सिद्धांत दिए गए हैं कौन सी हो? वो मेरा संघर्ष है, मीन कैप चीज को, ए इज द राइट आंसर। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 30 जनवरी 1929 को, 28 फरवरी 1933 को, 30 जनवरी 1933 को, या 3 मार्च 1933 को, कब बना था? 30 जनवरी 1933 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन में आप देखोगे सबसे पहले विशेष अधिकार अधिनियम। 15th क्वेश्चन आपके सामने है, विशेष अधिकार अधिनियम एनाबलिंग एक्ट, जिसके द्वारा हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना, पारित किया गया 30 मार्च 1933 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, हिटलर की गुप्तचर पुलिस क्या कहलाती थी? तूफानी, वास्तगा, यही कहलाती थी, ठीक है, मैंने डी तैयार कर रखा उसका। तो हिटलर को तूफानी दोस्तों में शामिल था, 17 राज्य की गुप्तचर और पुलिस सभी में था, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका साथ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ भाइयों को, ये क्लास प्रॉपर तरीके से जो मैंने कराई है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आएंगे जो कि मैं सैटरडे संडे को दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी तक की सारी क्लासेस आपको समझ में आई होंगी प्रॉपर तरीके से, 3 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, 2 चैप्टर और रहे, उसके बाद 10th चलेगी हिस्ट्री की। तो इसी के साथ नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।